नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझ ज्योतिर्विद डॉक्टर प्रणति दास आपण मानक भाग्य परिसर रे कार्यक्रम को स्वागत जनाउछ। दिनटी आपण मानक शुभमय हो मंगलमय हो यही ईश्वर को निकट प्रार्थना। आज हूँ एक पवित्र दिन, आज हूँ बामन जन्म सुनिया रोचे एवं गजपति महाराज 65 अंक आरंभ हो 1430 साल मध्य रोचे एवं गरुड़ पार्श्व परिवर्तन रोचे। आज एक पवित्र दिन यही लगे जे आज विष्णु भगवान एक अवतार जन्म जयंती अर्थात बामन जन्म जयंती। बामन जन्म रुमक बहुत किसी शिक्षा को मिले। ये शिक्षा हूँ एक सीमार शिक्षा। ये शिक्षा हूँ एक प्रति कार्यर एक निर्दिष्ट नियम व सीमारेखार कि रहा पड़ो तहार शिक्षा एवं भगवान प्रति समर्पण भाव शिक्षा एवं आम भगवान प्रति के कार्य कले भगवान आम पाक आसी था आमको तारण करने आसी था शिक्षा। आम समस्त जानते जे महाराज बलि दैत्यराज बलि होते जे प्रहलाद नाती विरोचन पुत्र से जोबले शक्ति सामर्थ्य बल तीन लोक को निज अधीन को नहीं थे स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक से आधिपत्य विस्तार करते से समय मनरे से एक भावना आनते जे मुझे दान करी। दान करने द्वारा मोर जो किसी पाप थाए क्षय हम अर्थात आम समस्त जानते दान दुर्गति क्षय तेणु से दान करवाक आरंभ करते तेणु दान करने प्रचार प्रसार एत मात्र होता जो समस्त जानते महाराज दलि महाराज बलि के भाव में दान कर तेणु यही क्षेत्र में जे प्रभु भगवान से क्षेत्र में कौन कले ना स्वर्ग को इंद्र लोक जो इंद्र को दवा निम्ते से पुनः कौन कले मर्त्य मन अवतार धारण कले। अवतार धारण करने समय यह हूँ जो बामन अवतार हूँ प्रभु प्रथम मनुष्य अवतार। बामन अवतार कौन कर प्रभु ना कश्यप ऋषि एवं अदिति गर्भ जन्म लाभ कले। जन्म लाभ कलापर बलि जो यज्ञ होता से समस्त जाते दान भिक्षा करने निम्ते ये एक कथा मन पड़े जे अति दर्पे हतलंका अति माने चकोरवा अति दाने बलिबद्ध अति सर्वत्र गहित सब बड़े अति की बारण कराई जे कौन भी कार्य एत मात्र करना जे सीमा बाहर को पलब जहाँकि आम पाई क्षति सब्यस्त हे तेज एक क्षेत्र में कौन ना जिते बड़े प्रभु बामन अवतार बलि को दान मागे आिक्षा मागे आस क्षेत्र में बलि भिक्षा थाल कौन ने पचार प्रभु कहते जे मत किसी दरकार ना मत बस तीन पाद भूमि दरकार तीन पाद भूमि देवा को जो प्रतिश्रुति वचन देते से क्षेत्र तीन पाद भूमि प्रभु सबकि शेष पादर आउ कि जगह बाकी ही ना दवापे तेणु बलि कौन कले निज मस्तक को देखेदे जहाँफल प्रभु तक मस्तक पाद रखा द्वारा से पातालपुरी को पलैले तेणु ये जो गोटे आमको ये कथाटी आमको ये शिखाए जे आम ईश्वर पाखे सब बड़े निजी से मात्रा समर्पित करदे जे आम पाखे किसी ही ना जो बलि तीन लोक आधिपत्य रखी था से किसी मुहूर्त सबकि शून्य हो गला तेणु कौन से जिनस को नहीं मन भितर गर्व आने ना कौन से जिनस को लेकिन मन भितर अहंकार आने ना कारण गर्व अहंकार तो मनुष्य को नाश करवल आमको जो उद्धार करपे ताकि ईश्वर प्रति समर्प भाव बा ईश्वर पाखे निज समर्पण करदे कि आम जहाँ भी करूँ से कार्य निजर अहम भाव को त्याग करदे मु भाव जहाँ मुता भाव को त्याग करदे जहाँ हूँ ईश्वर इच्छा हूँ जहाँ करश्वर ही करेणु ये कथाटी आमको बहुत किसी शिक्षा दिए आम मन भितर पवित्रता आनी थाए भावना आनी थाए ईश्वर प्रति समर्पण भाव आनी थाए एवं निजर कार्यकलाप कि सीमाबद्ध भाव रखा हुए ताीखी थाए तेणु कौन सी कार्य एत मात्र एत सीमा बाहर को करूँ जहाँकि आप बेड़ी जहाँकि आपको अनुताप करा पड़ो तेणु सब बड़े निज सीमा भितर ही कम करवा जेकोसी क्षेत्र में आम जो कार्य करण भी क्षेत्र में क्या को भी नहीं कि आम अहंकार करवाने अहंकार के ईश्वर सहते कारण अहंकार को जो नाश करते से ईश्वर आम सबकि कारण जनईदेक चाहती वास्तव में आम कौन
कारण आम जो जन्म लाभ करते आम खाली ही आसते जिते आम मृत्युवरण कर खाली ही जावा तेणु ये जहाँ भी आम भोग करें प्रारब्ध रही किसी आम कर्मफल रही तेणु ये प्रारब्ध कर्मफल भितर आम जी ये फल को लेकिन आम अहंकार करने को लगे तेज आम बास्तव लक्ष्य को भूली जावा आम कहीं आम उद्देश्य कौन आम कर्तव्य कौन ताक आम भूली जावा एक मरीचिका पचर आम दौड़ दौड़ पड़ी हजिजा तेणु बास्तवता हूँ आम सब ईश्वर पाखे नतमस्तक रहा ईश्वर को प्रणिपात करवा निजी समर्पण करदे प्रभु आपण इच्छा तो सबकि आपण सृष्टि भी आपणकर तेणु आपण जहाँ भी करेंगे निश्चित रूपए उत्तम ही आम श्रेष्ठ ही कारण ईश्वर शुभचिंतक बहुत ही संसार कहीं ना कारण आम ईश्वर आम ईश्वर सन्तान तेणु आमर भल मंद सबकि ईश्वर ही निर्धारित करें जदि आम ईश्वर कथार बाहर ईश्वर चेतनार ईश्वर जो इच्छार बाहर की ईश्वर इच्छा कौन बोली किभली जाना आम बेक जो ठीक कि भूल जोड़ा कही थे सहीटा हूँ बास्तव ईश्वर निर्देश कारण बेक के भूल उपदेश दिए ना तेनाली बेक्र कथा को न माने जी पथभ्रष्ट होता है निश्चित रूपे कष्ट भोगे हिं पड़ता है से भाव